क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है तो आपके पास बुक होगी और मैं पूरी इस क्वेश्चन का पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। कह रहा है कि 3 मीटर वाइड टारपोलिन की लेंथ कितनी होगी अगर कॉनिकल टेंट की हाइट 8 मीटर हो और रेडियस 6 मीटर हो। कह रहा है अगर हम सपोज करिए, एज्यूम करिए कि जो मटेरियल की जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो उसकी स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टर्न कटिंग इन अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर, जो उसका वेस्टेज और जो मार्जिन है वो लगभग 20 सेंटीमीटर है, अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू 3.14 आपको क्या करना है, यूज़ करनी है। तो पाई की वैल्यू 22.7 लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें हाइट दे रखी है 8 मीटर और रेडियस दे रखी है 6 मीटर। तो सबसे पहले यही शुरू करेंगे, हाइट दे रखी है 8 मीटर और रेडियस रखी है 6 मीटर और पाई की वैल्यू रखी है 3.14। तो सी एस ए ऑफ कॉनिकल टेंट पाई आर एल 3.14 आर आपका 6 और है। सबसे पहले एक बात और, हमारे पास L नहीं है तो L निकालेंगे यहाँ पर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना बच्चों, 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 64 कितना हो गया 100, इट मीन्स 10। क्लियर, अब 10 लिख दिया मैंने यहाँ पर तो कितना हो गया 3.14 इंटू 6 × 10 = 60। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 40 से 84 6 80 टू डिजिट का डेसिमल 188.40 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो इसमें मार्जिन है वो कितना है, पहले 3 मीटर बाहर दे रखा है तो लेंथ निकलेगी, पहले इसकी लेंथ निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो लेंथ इज इक्वल टू 188.40 अपॉन कितनी रखी आपको 3 मीटर, तो 3 6 18 3 2 6 3 8 24 0 62.80 मीटर। क्लियर, अब मार्जिन दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ टारपोलिन होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ टारपोलिन यहाँ से देखिए 62.80 तो है ये और 20 सेंटीमीटर यानी 0.20 तो कितना हो गया 0.63 मीटर। क्लियर, केवल आपको पहले हमें सी एस निकालना था, हमारे पास एल नहीं था तो एल हमने पहले स्लेंट हाइट का फॉर्मूला आके एल निकाल दिया, फिर हमने सी एस निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना था, लेंथ और विड्थ कितनी रखी थी 3, तो एरिया अपॉन विड्थ लेंथ आ गया। क्लियर, 62.80 इसमें मार्जिन रखा 20.2 मीटर का, 20 सेंटीमीटर रखा उसको मीटर चेंज कर लिया तो प्लस करके 63 मीटर आ गया। क्लियर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ आ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। किसी कॉनिकल टॉम्ब की हाइट 25 मीटर है और डायमीटर 14 मीटर है। आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग
इट्स कर्व सरफेस। इसके कर्व सरफेस को पेंट करने का, वाइट वॉश करने का कॉस्ट फाइंड करना। इफ़ 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹210 हो, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो मेंशन करेंगे। स्लेंट हाइट एल दे रखा है आपको 25 मीटर, रेडियस दे रखी है आपको 7 मीटर। तो सी एस निकालेंगे, सी एस ए ऑफ कॉनिकल टॉम्ब पाई आर एल, पाई मतलब 22.7, आर आपका 7, एल आपका 25, 7 से 7 कैंसिल, तो 550 मीटर स्क्वायर, क्लियर। सी एस ए आ गया आपका, तो आपका निकालेंगे द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। बहुत ईजी है, 550 इंटू 210 पर 100, तो 210 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल हो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा 55 इंटू 21। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 5 जा 105 कैरी 10, 21 5 जा 110 और 10 115, 1155 रुपीज़, 1000। कितना ईजी है, पहले आपने सी एस निकाल लिया और इसको फिर कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7th, एक्सरसाइज 13.3 का 7th क्वेश्चन। एक जोकर की कैप है जो कि कोन की शेप में है और जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ सीट, उस एरिया ऑफ सीट निकालना है अगर ऐसे 10 कैप बनाने हैं, तो 10 कैप बनाने हैं, पहले हम 1 कैप का निकालेंगे, 10 कैप का अपने आप उसका 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम दिया क्या है, रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर, हमारे पास आर है, एच है, एल नहीं है, स्लेंट हाइट नहीं है, तो निकालेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, 7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 576 कितना हो गया 6915 5712 625 625 मतलब 25 क्या सेंटीमीटर, हमारे पास स्लेंट हाइट आ गई। अब बस एरिया ऑफ वन कैप पाई आर एल, पाई कितना है 22.7, आर कितना है 7, एल कितना है 24, एल कितना सॉरी 25, 7 कैंसिल हो गया, 525 कैरी 5, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वन कैप का है, हमें कितने कैप निकाला 10 का, तो एरिया ऑफ 10 कैप इज इक्वल टू 550 इंटू 10, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना ईजी है, हमारे पास रेडियस भी थी हाइट भी थी, हमने स्लेंट हाइट निकाल ली, 10 कैप की पूछा है, तो हम पहले 1 कैप का निकालेंगे पाई आर एल, फिर हम 10 कैप का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 कैप का एरिया आएगा, क्लियर, दैट्स इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8th, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है 13.3 का, लेंथी क्वेश्चन है, इसको भी नहीं लिखूँगा मैं, आपको सिर्फ पढ़ के समझाऊँगा, लेकिन समझाऊँगा जैसे समझाता हूँ अच्छे से। आ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। आपने रोड पे कभी कभी रोड ट्रैफिक काम कर, जब रोड बनना होता है तो उस पर कुछ बैरिकेटर लगा दिए जाते हैं, बैरिकेटर जो लाते हैं वो कोन की शेप में भी होते हैं, तो यहाँ पर 50 होलो कोन्स रोड पर रख दिए गए हैं और बैरिकेट कर दिया बस स्टॉप को। जो कोन हैं उसकी डायमीटर 40 सेंटीमीटर और हाइट 1 मीटर है। इफ़ द आउटर साइड ऑफ द कोन इज टू पेंटेड
और आप देखोगे कि वो कभी कभी पेंट क्यों होते हैं, कह रहा है कि वो आउटर साइड कौन की पेंटेड की हुई है और कॉस्ट उसकी इज टू बी पेंटेड, पेंट होनी है और उसकी पेंट की कॉस्ट ₹12 पर मीटर स्क्वायर है। अगर तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, तो जो 50 कोन्स हैं उन सब कोन्स को पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी। पाई इज इक्वल टू 3.14 दे रखा है और रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 दे रखी है। अच्छा क्वेश्चन है, जो बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया कौन से किया गया है, 50 हॉलो कौन से किया गया है, जिनकी जो रेडियस है, जो रेडियस दे रखी है कितनी है आपकी, डायमीटर देखिए 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आएगी 20। अब देखिए ध्यान से, डायमीटर है आपकी 40 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर चेंज करेंगे क्योंकि कॉस्ट जो रखी है मीटर दे रखी है तो 0.2 मीटर। क्लियर, हमारे पास आर आ गई और जो हाइट दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। अब इससे आर और एस हम एल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एल स्लैंट हाइट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 0.2 का होल स्क्वायर, एच कितना है 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, 0.2 होल स्क्वायर कितना होता है 0.04 प्लस 1 और 0.04 क्या हो जाएगा 1.04 और 1.04 के वैल्यू रखिए 1.02, कितनी वैल्यू रखिए 1.02, एल आ गया। अब हमें एक कोन का हम लोग एरिया निकालेंगे, सी एस ए ऑफ वन हॉलो कोन्स, तो पाई आर एल, पाई के वैल्यू रखिए 3.14 इंटू आर दे रखा है 0.2 और L दे रखा है 1.02। क्लियर, 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का कर दीजिए 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 1 और 2, 6.28 इंटू 1.02। तो मल्टीप्लाई किया 6.28 का 1.02 में, अब मल्टीप्लाई तो करेंगे तो वन जो आपका मल्टीप्लाई है तो 0.64056 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर, 0.64056 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये कितने का है 1 का, हमें कितने का ना 50 का, तो सी एस ए ऑफ 50 हॉलो कोन्स, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर 50 का मल्टीप्लाई तो 0.64056 इंटू 50, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ऐसे लिख दिया, अब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा इसमें देखिए, मल्टीप्लाई कर देंगे 32.028 मीटर स्क्वायर। कितने का आया ये आया 50 होलो कोन्स का। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, अगर 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हो, देखिए ध्यान से, अब देखिए कॉस्ट निकालेंगे तो द कॉस्ट ऑफ क्या पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तो क्या करेंगे, ₹12 पर मीटर स्क्वायर यानी 32.028 इंटू 12 मीटर स्क्वायर। अब 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ध्यान से देखना, तो अब इसका 383 आपका 84.336। अब हमें 2 डिजिट तक निकालना होता है तो इसको हटा देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 384.34 रुपीज़। क्लियर, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर, कितना ईजी है, सबसे पहले हम लोगों ने एल निकाला, 1.04 आया तो 1.04 की वैल्यू रखी थी आपको क्वेश्चन में, उसको उसमें काउंट कर दिया, फिर 1 होलो कोन का एरिया निकाला, इतना आ गया, 50 होलो कोन थे 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, उसका पेंटिंग करना था उस पर तो कॉस्ट बतानी थी तो उसका 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर।